जय माता दी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारे समाधान के वीडियो बनाते हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपका प्रेमी आपके पास भागता हुआ वापस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रेमी आपसे बहुत दूर चला गया है, चाहे वो आपसे इसी शहर में रहता हो या फिर आपसे बहुत दूर रहता हो, तो भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपका प्रेमी जो है वो आपके पास भागता हुआ वापस आ जाएगा। पुरानी प्रेमिका हो या फिर आपका रूठा हुआ प्यार हो, जिसने आपसे बहुत समय से बात करनी बंद कर दी हो, किसी ऐसे प्रेमी को भी अगर आप अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों ये चमत्कारी उपाय है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस उपाय को करते ही मात्र कुछ घंटों के अंदर ही आपका प्रेमी आपकी बाहों में होगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने प्रेमी का प्यार वापस पाना तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है जिससे कि आपका प्रेमी आपके पास वापस आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बेहद आसान है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको दो तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्तों पर आपको एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर लिखना है आपको अपने प्रेमी का नाम। दो पत्ते जब आप लेंगे, दोनों पत्ते कटे फटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत पत्ता होना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक पर अपना नाम, स्केच पेन से या मार्कर से आप अपना नाम लिख सकते हैं, दूसरे पत्ते पर अपने उस प्रेमी का नाम जिसे आप अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं उसका नाम आपको लिखना है। और उसके बाद दोस्तों दोनों पत्तों को अपने हाथ पर आपको सामने रखकर एक मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ, बेहद आसान मंत्र जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको इस्तेमाल करना है। उस मंत्र के उच्चारण से आपका प्रेमी आपकी बाहों में होगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस मंत्र के उच्चारण को इसका जैसे ही आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते ही आपका जो प्रेमी है वो आपके पास दौड़ते हुए चला आएगा, आपकी बाहों में होगा, आपके लिए तड़पने लगेगा। आप अपने प्रेमी से अपने मन की हर बात पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों इस मंत्र का एक और फायदा है कि ये आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सिर्फ आप प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं दोस्तों, तो आप उस व्यक्ति पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई लड़की हो, आपकी भाभी हो, आपकी पड़ोसन हो, या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाली कोई लड़की हो। कोई भी लड़की जिससे आप प्यार करते हो लेकिन वो आपसे प्यार ना करती हो, उस पर भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और वो आपसे प्यार करने लगेगी, बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी, आपके लिए तड़पने लगेगी, आपके प्यार के लिए वो आपसे दुहाई मांगने लग जाएगी और फिर आपकी मन की बात पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को जैसा कि मैंने आपको बताया तुलसी के पत्ते से आपको करना है। तुलसी के पत्ते पर एक पर अपना नाम, एक पर अपने प्रेमी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, सिर्फ 11 बार। सिर्फ 11 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और वो आपकी बाहों में होगी। तुलसी के पत्तों पर आपको फूंकना है उसके बाद, मंत्र का उच्चारण करने के बाद, और तुलसी के पत्ते जो है वो एक कागज में लपेट कर आपको अपने घर में किसी ऐसी जगह पर रख देने हैं जहां पर उसे कोई ना देखे। जैसे जैसे वो पत्ता सूखेगा, जितने दिनों तक वो आपके घर में पत्ता रखा रहेगा उतने दिनों तक वो लड़की आपकी बाहों में होगी दोस्तों। तो इस उपाय को आप कीजिए और मंत्र जानने के लिए मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल लगाइए। मेरा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप ये मंत्र जान सकते हैं और इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं उस व्यक्ति को पाने के लिए जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।